सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जामिया एएमयू मामला। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया है, कानून हाथ में लेंगे तो हम दखल नहीं देंगे। छात्र के नाम पर कानून हाथ में लेने का कोई हक नहीं, पहले शांति व्यवस्था कायम हो फिर सुनवाई, हम किसी के अधिकारों के खिलाफ नहीं है। तो यहाँ साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और उन्होंने कहा है कि जामिया हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने बोलते हुए कहा कि छात्र होने पर उपद्रव का अधिकार नहीं मिल जाता। तो जामिया हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, तो जिस तरह से अभी भी हिंसा चल रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि पहले शांति बनाई जाए उसके बाद सुनवाई, कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। छात्र के नाम पर कानून हाथ में लेने, पहले शांति व्यवस्था कायम हो फिर सुनवाई, तो हम किसी के अधिकारों के खिलाफ नहीं है, हम दिल्ली पुलिस या छात्रों को सही गलत नहीं बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है उसके चलते छात्रों को कानून अधिकार में नहीं लेने दिया जाएगा, पहले शांति हो उसके बाद सुनवाई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नाराजगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से साफ इनकार करते हुए कहा है कि पहले शांति व्यवस्था हो उसके बाद इस पर सुनवाई की जाएगी। महज छात्र होने से हिंसा का अधिकार नहीं मिल जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, पहले शांति व्यवस्था कायम हो फिर इस पर सुनवाई होगी। तो ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार किया कि तुरंत सुनवाई जो है वो नहीं होगी, पहले शांति व्यवस्था हो, क्योंकि जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई है, विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है उसके चलते माहौल कहीं ना कहीं खराब होने की कोशिश हो रही है, तो कानून हाथ में लेंगे तो हम दखल नहीं देंगे। छात्र के नाम पर कानून हाथ में लेने का हक नहीं हो जाता है, अगर हिंसा जारी रही तो सुनवाई नहीं। तो ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।